सिंपल, पहले आपको फ़ोटो भेजाना है, उसके बाद स्नैपसीड को सिलेक्ट करना है, देन आपको टूल्स पे जाना है, टूल्स पे जाकर डबल एक्सपोजर पे करना है, फोटो को यहाँ से ऐड करना है, फोटो पे ऐड करने के बाद आपको रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए इस फोटो को अपोजिट प्लेस करना है, एकदम अच्छे से करना है। आई थिंक इट बेटर। देन उसको ओके कर देना है। उसके बाद आपको स्पेसिफिक करना है, व्यू डिस पे जाना है, डबल एक्सपोजर पे जाना है, यहाँ पे जाना है, उसको आपको यहाँ पे पेंट कर देना है। उसके बाद आप पेंट कर सकते हो, उसके मैं फास्ट कर देता हूँ वीडियो को। तो करने के बाद आप यहाँ पे ऊपर का डिपोजिट कर देंगे। उसके बाद या तो आपको अगर इसका बढ़ाना है ये या कम करना है तो यहाँ से कम कर सकते हैं विजिबिलिटी। उसके बाद आप बैक कर दीजिए, आप इस फोटो को सेव कर लेंगे तो भी रिफ्लेक्शन आपका दिख जाएगा। अगर आपको ब्लैक स्टोन ब्लैक नॉर्मल टोन देखना है फोटोज में तो आपको फाइन आर्ट पर करना है, देन आपको ओके कर देना है। फिर यहाँ पे जाना है, व्यू एडिट पे जाना है, फोन पे जाना है, इस पे जाना है, फिर आपको सेम प्रोसेस रिपीट करना है जैसा मैंने आपको बताया था। इसको एकदम अच्छे से करना है पेंट, पूरा फास्ट कर तो पूरा ऐसा सेलेक्ट कर देना है एकदम अच्छे से, बस सिंपल है करना है, चेक करना है आपकी फ़ोटो पहले ऐसी थी। आपको अगर आपको सिर्फ रिफ्लेक्शन ही चाहिए वो सेव कर सकते हैं, ऐसा टोन चाहिए फिर आपको यहाँ से सेव कर सकते हैं।